हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। ये हमारी सेकेंड यूनिट यानी यूनिट बी है। तो आज हम निबंध लेखन में निबंध के बारे में जानेंगे कि निबंध क्या होता है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं निबंध के परिभाषा और निबंध के भेद। तो बच्चों, ये देखिए हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। टॉपिक में है निबंध लेखन। अब यहाँ पे लिखा है नि, उसके बाद बीच में यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन है और ये है बन, निबंध। निबंध का मतलब यानी कि उसका मीनिंग क्या है, भली प्रकार बंधा हुआ। यानी कि भली प्रकार बंधा हुआ का मतलब ये हुआ कि कोई भी रचना जब उसके वाक्य जो है वो आपस में एक दूसरे से मिले जुले हो, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उन एक दूसरे में संबंध हो, तो वो रचना जो है वो निबंध कहलाती है। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। अब निबंध है तो निबंध में क्या है, कोई टॉपिक होता है, कोई विषय आपको दिया जाए उस पर लिखने के लिए, तो आपको उसको सोच के अपने विचारों से उसको कंप्लीट उसके 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 बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बारे में पूरा लिखना जो है वो ही निबंध कहलाता है। निबंध जो है एक ऐसी रचना है जिसमें आप उस विषय को, जिस विषय पे आप टॉपिक पे लिख रहे हैं निबंध, उसका आपको संपूर्ण विवरण देना पड़ता है, तो वो है निबंध। बच्चों, निबंध जो है, निबंध में कई अनुच्छेद भी होते हैं। अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, आप लोग लिखते हैं ना, अनुच्छेद लेखन भी लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में 70 या 80 वर्ड्स होते हैं, 70 से 80 शब्दों में लिखा जाता है अनुच्छेद। लेकिन निबंध जो होता है, निबंध की में आपको कई जो है अनुच्छेद लिखने होते हैं, 5 या भी कभी 6 अनुच्छेद भी हो सकते हैं, तब आपका निबंध जो है कंप्लीट होगा। निबंध जो है लिखने की कला होती है। कई बार स्कूलों में जो है निबंध की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, तब से ये पता चलता है कि किसका निबंध जो है, जब वो किसी बच्चे ने वो निबंध लिखा तो उस निबंध से पता चल जाता है कि उसने अपने कितने अच्छे विचार उस निबंध में लिखे हैं, कितने अच्छे वाक्यों को उसमें लिखा है, उसको कितनी जानकारी थी उस विषय के बारे में जिसके ऊपर उसने निबंध लिखा। तो निबंध जो है वो एक ऐसी रचना है जिसको आपको लिखने से पहले उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आप कुछ आपको पता होनी चाहिए, आप जानकारी ले लीजिए और उसके बाद आप निबंध लिखिए, तो वो निबंध आपका बहुत अच्छा निबंध हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, निबंध के 4 प्रकार होते हैं। निबंध के 4 प्रकारों में पहला जो प्रकार इसका है वो है वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध में किसी विषय, इसमें जो है किसी स्थान, प्रकृति, पदार्थ आदि से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन होता है वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है विवरणात्मक निबंध। इस निबंध में पर्यटन, घटनाएं, साहसिक कार्य या पर्वतरोही, है ना, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इस निबंध को जब लिखा जाता है तो यह उस श्रेणी में आता है विवरणात्मक निबंध। थर्ड पॉइंट है इसका, जो थर्ड भेद है, विचारात्मक निबंध। इस निबंध में धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पे ऐसे निबंध लिखे जाते हैं। विचारात्मक निबंध जो है वे ऐसे उस पर लिखे जाते हैं। फोर्थ इसकी कैटेगरी है, यानी कि चौथा इसका जो भेद है वो है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में जो होता है वो जो लिखने वाला है उसके भाव, कल्पनाओं की प्रधानता होती है, वो अपनी फीलिंग्स उसमें बहुत ज्यादा, उसमें कहते हैं ना भावात्मक निबंध है, यानी कि उसमें उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा लिखी होगी। जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वो अपने फील के साथ लिखेगा। जैसे कि इसका उदाहरण दे सकते हैं कि अगर वो फील करा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो वो, अगर प्रधानमंत्री होता तो वो क्या करता, तो वो फील करके अपने भावात्मक निबंध जो है वो उस तरह का जो निबंध है वो भावात्मक निबंध की कैटेगरी में आएगा। यानी कि ये फोर्थ नंबर जो है इसका प्रकार, ये उसमें आएगा अगर वो अपने भावों के साथ लिखेगा, है ना।
तो ये इसके चार भेद हैं, वर्णात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने निबंध के प्रकार तो देख लिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि निबंध के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, यानी कि तीन पार्ट में निबंध को रखा जाता है। कैसे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला है प्रस्तावना, यानी कि आरंभ, यानी प्रस्तावना जो है उसमें पहले हम उस विषय को उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं निबंध, उसकी उसकी जो प्रस्तावना है यानी आरंभ, वो कैसे शुरू होता है, तो मेन फर्स्ट पॉइंट है उसका। सेकेंड पॉइंट उसका है मध्य भाग, यानी कि मिडिल वाला भाग, जिसमें हम उसके बारे में पूरा कंटेंट लिखते हैं, उस विषय के बारे में जो हम लिख रहे हैं, है ना, पूरी डिटेलिंग हमारी उसमें होती है इस निबंध की। और थर्ड जो है उसका है उपसंहार, यानी कि समाप्ति, जहाँ पे हम उस निबंध को एंड कर रहे होते हैं, उसमें है उपसंहार यानी कि समाप्ति। तो ये निबंध के जो तीन पार्ट है, इनके आधार पे हम पूरा निबंध जो है वो लिखते हैं। पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं, उसमें है प्रस्तावना, फिर उसका मध्य भाग आ जाता है यानी कि मिडिल वाला, सेंटर मिडिल में जो है, और लास्ट में जो आता है उसका एंडिंग पार्ट आता है पूरे निबंध का। निबंध को लिखने के लिए 250 वर्ड्स, 300 वर्ड से अबव भी हो सकता है, यानी 250, 300, 350 शब्दों का निबंध लिखा जाता है इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया कई अनुच्छेदों में ये होता है, इसलिए इसको लिखने में बहुत सारे शब्दों का यूज होगा, इसीलिए ये 300 से 350 शब्दों तक भी निबंध लिखा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बातें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जब निबंध हम लिखें तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका है, निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, यानी जिस निबंध पे हम, जिस विषय पे निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ जानकारी हो, तभी हम उस निबंध को लिख सकते हैं। अगर हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम शुरुआत भी नहीं कर सकते उसकी। तो हमें उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है, भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जब हम निबंध को लिखें तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो इजी हो, सरल हो, और उसका जो है प्रभाव पड़े, जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, स्पष्टता होनी चाहिए कि जो बात हम लिख रहे हैं जब उसको कोई पढ़े तो उसको वो समझ में आ जाए। जो हम वाक्यों को यूज कर रहे हैं उस निबंध के अंतर्गत, वो एक दूसरे से मिले जुले हो, ताकि एक वाक्य के बाद जब दूसरा वाक्य आ रहा है तो वो उसे रिलेट कर सके कि इस निबंध में ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो पूरा जो उसका पैराग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए, उसके अंदर जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो मिली हुई होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम कुछ और लिख रहे थे फिर हम दूसरी लाइन में कुछ और लिखने लगे, तो वो निबंध फिर आपका बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगा। और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी लैंग्वेज पे ही सबसे ज्यादा काम करना होता है। थर्ड पॉइंट है, विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए। किसी भी विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसके सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको लिखना होगा। ये नहीं कि आप उसका कोई पॉइंट छोड़ देंगे, तो जो अगर कोई पॉइंट, तो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उसका छोड़ दिया, तो वो निबंध प्रभावशाली तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको उस टॉपिक को लिखने में, उस निबंध को लिखने में, उसके सभी पहलुओं पर, उसके पहलुओं के बारे में लिखना होगा, यानी कि उसको उस निबंध में लिखना बहुत जरूरी होगा, तभी वो निबंध है कंप्लीट निबंध माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। निबंध में विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, जहाँ पे आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं वहां पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे आपको पूर्ण विराम लगाना होगा, अर्ध विराम लगाना होगा, कहीं पे आपको कोष्टक भी देना पड़ सकता है, योजक चिन्ह भी लगाना पड़ सकता है। तो पूरे निबंध के अंतर्गत आपको सेंटेंसेस के बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना बहुत जरूरी होगा, तभी आपका निबंध बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा
आप अगर इन सारे पॉइंटों को कवर करते हैं तो आपका निबंध बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा और पढ़ने वाला भी आपके निबंध को समझ पाएगा कि आप अपने क्या क्या आपने उसमें लिखा है, किस चीज का कि जिस टॉपिक को आपने चूज किया है वो कितना प्रभावशाली है, जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी के साथ उस निबंध को लिखा। तो बच्चों आज का ये टॉपिक जो है निबंध का, आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा सा निबंध लिखेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, अपने निबंध की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करेंगे, उसकी एंडिंग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग भी एक अच्छे से टॉपिक पे एक अच्छा सा निबंध लिखें और मुझे भेजें। मैं भी देखूंगी कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद कितना अप्लाई किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।